हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल आपकी गुरुमा वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज बहुत प्रेम मिल रहा है आपको आपका इस पॉडकास्ट सीरीज में हम सबको थैंक यू वेरी मच फॉर इट एंड आई होप कि हम आपको बहुत हेल्प कर पाएंगे इसके थ्रू इन योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर आइए स्टूडेंट्स आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट को बस आपको कुछ नहीं करना अपनी आंखें बंद करके मुझे सुनना है और ये चैप्टर मैं पूरा आपकी टिप्स पे करवा दूंगी लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन दो वर्ड्स के बीच में डियर स्टूडेंट्स एंड लगा हुआ है यानी हिंदी का और यानी ये दो अलग-अलग शब्द हैं मैंने हाथ हिलाया मैंने सर हिलाया मैं चली ये सब मूवमेंट्स हैं लेकिन अगर मैं एक जगह से चल के दूसरी जगह गई मेरी लोकेशन चेंज हो गई तो उसे लोकोमोशन कहेंगे यानी मूवमेंट तो सारे हैं इवन इंटेस्टीन में पेरिस्टालसिस हो रहा है वो भी मूवमेंट है ब्लैडर की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो भी मूवमेंट है गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में एपिडिडाइमस uh, वासा डिफरेंस वो भी मूवमेंट है लेकिन ऐसा मूवमेंट जिससे प्लेस लोकेशन चेंज हो से लोकोमोशन कहते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स मूवमेंट्स बहुत जरूरी है लोकोमोशन बहुत जरूरी है चाहे हमें अपना घर बनाना है घर ढूंढना है चाहे हमें खाना ढूंढना है चाहे हमें अपना जीवन साथी ढूंढना है मूवमेंट्स और लोकोमोशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्री टाइप के मूवमेंट्स हैं नंबर वन अमीबॉइड मूवमेंट नाम से समझ में आ रहा है अमीबॉइड यानी अमीबा की तरह अमीबा में होते हैं सुडोपोडिया तो यहां पे सुडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट लोकोमोशन होगा और सुडोपोडिया माइक्रो फिलामेंट के बने होते हैं यानी एक्टिन फिलामेंट्स के बने होते हैं नाउ नंबर एंड फ्लैजुलर मूवमेंट सीलिया माइक्रो यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं जो लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करेंगे एंड नंबर थ्री मस्कुलर मूवमेंट जो स्केलेटल मसल्स के थ्रू होगा लोकोमोशन और बाकी इंटरनली स्मूथ मसल कार्डिक मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे हम सीखेंगे यानी अमीबॉइड मूवमेंट बाय सूडोपोडिया सीलियरी एंड फ्लैजुलर मूवमेंट बाय सीलिया फ्लैजुला एंड मस्कुलर मूवमेंट बाय स्केलेटल मसल नाउ अमीबॉइड मूवमेंट हम अगर ह्यूमन में बात करें तो डब्ल्यू में मिलेगा जैसे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जहां पे भी सेल को पकड़ के खाना है तो अमीबा एंट अमीबा अमीबॉइड वाले प्रोटोजोआ वा तो है ही उसके अलावा हमारे डब्ल्यू बी सी न्यूट्रोफिल मोनोसाइट इसके अलावा मैक्रोफेजेस में देखने को मिलेगा सीलिया और फ्लैजिला की बात करें तो सीलिया ट्रेकिया ब्रोंकाय फैलोपियन ट्यूब इनमें सीलिया मिलते हैं ट्रेकिया ब्रोंकाय के सीलिया आउटवर्ड मूवमेंट करके और यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूवमेंट करके जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उन्हें थ्रो आउट ऑफ द बॉडी कर देंगे और फैलोपियन ट्यूब के सीलिया जो हैं वो एग का मूवमेंट करेंगे बाद में जायगोर्ड का मूवमेंट करेंगे इन द फैलोपियन ट्यूब क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स नॉन मोटाइल होते हैं

यहां पर एक चीज और हमें समझनी है कि अमीबा के अंदर जो सीलिया होते हैं वो दो काम करते हैं एक तो लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह उसे लेके जाना इसके अलावा उसके सीलिया जो हैं वो फूड गैदरिंग में भी हेल्प करते हैं अमीबा में साइटोफैरिंग्स है उसमें भी सीलिया है पानी के थ्रू जो खाना आएगा वो इस सीलिया के थ्रू ही मूव करेगा यानी सीलिया अमीबा के अंदर दो काम कर रहे हैं लोकोमोशन एंड फूड गैदरिंग या फूड कैप्चरिंग इसी तरह हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स मिलते हैं वो भी दो काम करते हैं उसका लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग में सो so, यहां पर हमने कुछ बेसिक्स बात करी टाइप्स ऑफ मूवमेंट की अब हमें फोकस करना है ह्यूमन के मस्कुलर सिस्टम पे लोकोमोटरी सिस्टम पर सो so, हम यहां पर बात करते हैं मसल की मसल एक मसलोडर्मल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ाई थी तो मसल मीजोडर्मल टिश्यू होता है और टिश्यू मतलब ये सेल्स का बना होगा मसल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है मसल की फोर प्रॉपर्टी है नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है यानी कॉन्ट्रेक्टेबिलिटी देन रिलैक्स होकर थोड़ी खिंच सकती है इलास्टिक की एक्सटेंड हो सकती है एक्सटेंसिबिलिटी और छोड़ने पे वापस जगह पे आ सकती है यानी इलास्टिसिटी मैंने क्या कहा कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी एंड ऑफकोर्स एक्साइटेबिलिटी स्ट्यूमलस पर एक्साइट करेगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये हो गई चार प्रॉपर्टी मसल हमारे टोटल बॉडी वेट का 40 से 50 यानी 40 टू तो 50 परसेंट वेट कंट्रीब्यूट करती है मसल्स तीन तरह की हैं स्केलेटल मसल स्मूथ यानी विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल क्विकली मैं इनके डिफरेंसेस आपको रिवाइज करवाती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल हमारी स्केलेटन बोन से जुड़ी हुई हैं लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करेंगी वॉलेंट्री होंगी हमारे कंट्रोल में होंगी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने पे लैक्टिक एसिड जमा होगा यानी थकेंगी तभी तो बहुत ज्यादा जॉगिंग रनिंग करके हम भी थक जाते हैं इनके जो सेल हैं वो लंबे सिलेंड्रिकल सेल होगा अभी हम बनाएंगे हम हम बनाएंगे मतलब अपने दिमाग में बनाएंगे पॉडकास्ट में सब कुछ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल है जिसे मसल फाइबर कहेंगे और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है अनब्रांच है ये नाउ रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर की अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे जबकि जो विसरल मसल है वो इंटरनल ऑर्गन्स में मिलेंगे चाहे वो इंटरनल ऑर्गन स्टमक हो ईसो हो स्मॉल इंटेस्टीन हो लार्ज इंटेस्टीन हो ब्लैडर हो इन सब में मिलेंगे हालांकि ईसोफेगस में कुछ स्केलेटल मसल मिलती है बट आप कंफ्यूज मत होना ठीक है यानी ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स हैं ये स्मूथ हैं इनमें स्ट्राइशन नहीं मिलेंगे स्केलेटल मसल में स्ट्राइशंस मिलेंगे धारियां मिलेंगी स्मूथ मसल का सेल जो है वो बेलन जैसा होगा स्पिंडल या फ्यूजीफॉर्म बीच से चौड़ा साइड से पतला होगा ये है, ये भी है, ये है 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 भी थकती नहीं स्लो कॉन्ट्रैक्शन लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता है कार्डी मसल हार्ट के अंदर मिलेंगी मायोकार्डियम में मिलेंगी कभी नहीं थकती ये थक गई तो हम निपट जाएंगे दे नेवर फटी ये भी सिलेंड्रिकल है स्केलेटल की तरह पर ये यूनि न्यूक्लिएटेड है विसरल या स्मूथ मसल की तरह इन में भी मिलते हैं स्केलेटल की तरह पर ये ब्रांच अनब्रांच थी तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए हैं इनमें से स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है वॉलेंट्री और बाकी दोनों है इनवॉलेंट्री अब आइए हम आ जाते हैं स्केलेटल मसल पे स्केलेटल मसल मसल जो है ये बंडल्स की बनी है और बंडल्स के अंदर सेल्स हैं यानी मसल बनी है मसल बंडल या फैसिकल्स की और उनके अंदर है मसल सेल मसल सेल यानी फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स ने कवर करा है मैं इसे याद कराती हूँ सबसे बाहर मसल उसके अंदर बंडल उसके अंदर मसल फाइबर यानी सेल तो हम बाहर से अंदर याद रखेंगे एपी जैसे रणबीर कपूर बर्फी में बोलता है तो हम हैप्पी को बोलेंगे ई एपी, एपी, एपी माइसियम पेरी माइसियम एंड एंडोमाइसियम जो बंडल को कवर करती है उसे ही फेशिया बोलते हैं हम कैसे याद रखेंगे बंडल को फैसिकल बोलते हैं फैसिकल को कवर करने वाली फेशिया हो गई ठीक है अब आज हम आ जाते हैं एक मसल फाइबर पर अच्छा मसल को बोन से टेंडन कनेक्ट करता है ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जो

अब इसमें बहुत सारे प्रोटीन के रॉड्स हैं थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं जो पैरेलली अरेंज्ड हैं इन्हें कहेंगे माओफाइबर या मायो इसी के कारण इनमें धारियां दिखती हैं स्ट्राइशन दिखते हैं और ये स्ट्राइटेड कहलाती हैं अब स्टूडेंट हमने मसल की बात की उसके अंदर मसल बंडल की बात की उसके अंदर मसल फाइबर रिवाइज किया और मसल फाइबर के अंदर अब हम माओफिलामेंट और माओफाइब्रल की थोड़ी सी बात करेंगे ये दो तरह के होते हैं मायोसिन और एक्टिन

माओसिन पर जब एक्टिन आता है तो एक्टिन थोड़ा सा बैंड ए बैंड या डार्क बैंड जितना मायोसिन है इसमें मायोसिन तो आएगा ही थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी आ रहा है जो एंड को ओवरलैप कर रहा है पर जो आई बैंड है उसमें केवल एक्टिन ही आएगा नाउ I band को को बीच बीच से से जो bisect membrane, zigzag, जो करती करती है है जिसे कहेंगे और उसे एम लाइन हम याद रख सकते हैं यानी आई बैंड के बीच में जेड लाइन है और एम बैंड के बीच में जो है एम लाइन है जो ए बैंड है उसके बीच में मायोसिन को बाइसेकट जो कर रही है अब अगर हम गौर से देखें तो मायोसिन के एंड्स पे थोड़ा थोड़ा एक्टिन आ रहा है यानी मायोसिन का वो सेंट्रल पोर्शन वेयर एक्टिन डू नॉट ओवरलैप मायोसिन दैट इज कॉल्ड एच जोन ज़ोन ठीक है चलिए अब दो बगल बगल वाली Z लाइन के बीच के डिस्टेंस को द रीजन बिटवीन टू एडजस्ट इन सार्कोमी सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर शॉर्टन होगा तो पूरा मसल फाइबर यानी सेल शॉर्ट होगा तो पूरे बंडल शॉर्ट होगा और ऐसे करके पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसे अभी हम समझेंगे यानी के अंदर आधा आधा दोनों तरफ का आई बैंड आएगा और वन ए बैंड आएगा हाफ आई बैंड प्लस वन ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड चलिए अब आइए हम समझते हैं कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है पर उसके पहले हमें समझना जरूरी है कि ये जो हम बॉक्स बना देते हैं और मायोसिन कह देते हैं थिक फिलामेंट ए बैंड या हम पतली सी लाइन बना देते हैं और एक्टिन थिन फिलामेंट कह देते हैं ये एक्चुअली क्या है ये सब प्रोटीनस हैं आइए मायोसिन उस डब्बे की बात करते हैं वो बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट्स का बना है जिनका नाम है मीरो मायोसिन तो एक मायोसिन के अंदर ये पॉलीमर है इसमें बहुत सारे मैनी मीरोमायोसिन है मीरोमायोसिन जो है उसमें टू पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं जिनमें कम अमीनो एसिड है हल्की है तो इसे लाइट मीरोमायोसिन कहेंगे और हेड और क्रॉस आर्म है जिस नेक जिसे मिलाकर कहेंगे हम हैवी मीरोमायोसिन ऐसे कई सारे मीरो मायोसेन मिलकर एक मायोसिन यानी एक थिक फिलामेंट को बनाते हैं नाउ अब हम आ जाते हैं इसका जो हेड है गोल गोल ग्लाब्यूलर हेड उस पर दो साइड्स है एक जहां एटीपी जुड़ेगी यानी एटीपी बाइंडिंग साइड और एक जहां एक्टिन जुड़ेगी जो हमारी हीरोइन होगी पिक्चर की यानी एक्टिन बाइंडिंग साइड इसके अलावा ये जो ग्लाब्यूलर हेड है डियर स्टूडेंट्स ये खुद एटीपी को तोड़ सकता है यानी ए टी की तरह काम करता है इसे समझना बड़ा आसान है ए मतलब एटीपी तोड़ने वाला एंजाइम और एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो ये मायोसिन का हेड भी तो प्रोटीन का ही बना है इसीलिए एंजाइम की तरफ बिहेव करता है हम देखेंगे कि मायोसिन का हेड और टेल ऐसी सीधी नहीं होती है हल्का सा एंगल पर इसकी क्रॉस आर्म रहता है इसे क्रॉस आर्म बोलते हैं क्यों रहता है वो भी सब समझ आएगा अब हम आ जाते हैं एक्टिन जो हम एक पतली सी लाइन खींच देते हैं उसमें थ्री टाइप के प्रोटीन्स हैं पहला एफ एक्टिन के दो एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन ये छोटे छोटे गोल गोल लड्डू जैसे जी एक्टिन का बना है बहुत सारे जी एक्टिन ने मिलकर एक एफ एक्टिन बनाया बहुत सारे और जी एक्टिन ने मिलकर एक और एफ एक्टिन बनाया दोनों जैसे चोटी गुथती है हेलिकली वून्ड हो गए हैं अब ट्रोपोमायोसिन नाम के प्रोटीन को हमने बीच में से पूरा निकाल दिया अगेन दो धागे यानी टू ए है टू ट्रोपोमायोसिन है और बीच बीच में जैसे ताले लगाते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन लगा दिया तब जाकर एक थिन फिलामेंट बनेगा तो थिक फिलामेंट मीरोमायोसिन का बना है और थिन फिलामेंट टू एक्टिन टू ट्रोपोमायोसिन एंड बहुत सारे ट्रोपोनिन का बना है इसी ट्रोपोनिन पर कैल्शियम से जुड़ने की साइट भी होती है अब होता क्या है स्टूडेंट्स ये ट्रोपोमायोसिन को मामा जी समझो ट्रोपोनिन को मामी जी समझो और जो जी एक्टिन है उसे लेकिन लड़की को नजर बंद कराए मामा मामी ने यानी नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट को मास्क करके रखते इतना क्लियर हो गया चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है इट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी थिक फिलामेंट पर थिन फिलामेंट स्लाइड करता है खिसकता है सिर्फ खिसकता है लंबाई किसी की कम नहीं हो रही है ना थिक फिलामेंट की ना थिन फिलामेंट की, सो थिन फिलामेंट फिलामेंट, स्लाइड पास्ट ओवर थिक जब थिन फिलामेंट पास पास आएंगे सेंटर की तरफ ए बैंड के सेंटर की तरफ तो जेड लाइन पास पास आएंगी यानी सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन कम हो जाएगा बीच में आते जा रहे हैं यानी एच जोन वो ए बैंड का हिस्सा जहां पर एक्टिन नहीं होता वो भी शॉर्ट होता जाएगा एच जोन शॉर्ट तो मैंने क्या कहा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा एच जोन भी शॉर्ट हो जाएगा ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मायोसिन अपनी जगह ऐसा का ऐसा है और मायोसिन एक्टिन की लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ खिसक रहा है थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है ये मजेदार तरीके से आपको सिखाती हूं सबसे पहले जैसे ही ब्रेन से मोटर न्यूरोन सिग्नल लेकर आया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा पर इंपल्स आई सार्कोलेमा पर न्यूरॉन से एसिटाइल कॉलिन रिसेप्ट निकले हैं केमिकल्स न्यूरो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा पर उसके रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स से वो बाइंड हो गए यानी ये इंपल्स न्यूरॉन से मसल सेल मसल फाइबर पर आ गई जैसे ही ये इंपल्स अंदर पहुंची वेव्स बनी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम अंकल को बाहर निकाला ये कैल्शियम अंकल ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेंगे ट्रोपोनिन मामी और मामा जी जो है ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन तो ये ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेंगे जैसे ही मामा जी के साथ जुड़े मामा जी ने मामी जी को बोला जाओ जरा चाय बनाओ यानी ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन अब अनमास्क कर देंगे एक्टिन की साइट को <laughs> मामा मामी जी की नजर हट गई है एक्टिन से क्योंकि कैल्शियम अंकल आकर जुड़ गए हैं नजर हटी दुर्घटना घटी एक्टिन फटाफट एक हीरोइन की तरह दुपट्टे से साड़ी से बैल्कनी से नीचे उतर गई यानी स्टूडेंट्स ध्यान सुनिए जैसे ही कैल्शियम जुड़ा ट्रोपोनिन पर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कॉन्फर्मेशनल चेंज आया जिसके कारण से जी एक्टिन यानी एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो अनमास्क हो गई अनकवर हो गई अब एक्टिन के पास है मायोसिन बाइंडिंग साइट मायोसिन के सर पर है एक्टिन बाइंडिंग साइट लड़की फटाफट से लड़के की बाइक पे बैठी यानी इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज बन गया है लड़की ने बोला तुम्हारे पास कैश है क्या लड़के ने बोला हाँ मेरे पास कैश है कैश का मतलब होता है ऊर्जा एनर्जी एटीपी नहीं एटीपी तो चेक के जैसी है एटीपी नहीं एनर्जी यानी एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी जो एटीपी चेक को कर मिली है यानी जब भी क्रॉस ब्रिज बनेगा तो आपको एटीपी नहीं दिखाई देगी हेड पे एडीपी और पीआई दिखाई देगी एनर्जी उस ऊर्जा से क्रॉस ब्रिज बनेगा और मायोसिन एक्टिन को टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड स्लाइड या रोटेट करेगा थोड़ी दूर ये भागेंगे पैसा खत्म हो जाएगा पैसा खत्म हो जाएगा यानी ऊर्जा खत्म हो गई ये सब काम में ऊर्जा चली गई लड़का दिखाएगा मेरे पास एटीपी है यानी अब एटीपी जुड़ी हुई दिखेगी आपको मायोसिन पर लड़की विश्वास नहीं करेगी बोले तुम्हारा चेक तो बाउंस भी हो सकता है और लड़की उसे छोड़ देगी यानी क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा लेकिन एक्टिन तो खिसक चुका है अब ये लड़का फिर इंतजार करेगा फिर दूसरा जी एक्टिन जुड़ेगा क्यों क्योंकि ये फिर से उस एटीपी को तोड़ के एनर्जी रिलीज करवाएगा तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूं आप ध्यान से सुनिए एनसीआरटी का डायग्राम आपको टिप्स पे समझ आएगा जब भी आपको क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और स्लाइडिंग रोटेशन दिखेगा वहां पर एटीपी नहीं मिलेगी एडीपी प्लस पीआई मिलेगी एनर्जी के साथ और जहां पे क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा वहां पर एटीपी दिखाई देगी और यह कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक इंपल्स आ रही है सार्कोलेमा पे जैसे ही इंपल्स आना बंद हो जाएगी कैल्शियम अंकल अपने घर वापस सार्को रेटिकुलम में पंप बैक कर दिए जाएंगे और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन खत्म होकर मसल रिलैक्स हो जाएगी सो दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट रिजल्टिंग इन द शॉर्टिंग ऑफ सार्कोमियर एंड हेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल अब आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टू टाइप के मसल लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं हम जब नॉर्मल जिंदगी जी रहे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं हम सांस बराबर ले रहे हैं मसल को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है तो मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं जिनमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है और सीओ टू वॉटर बनते हैं लेकिन जब हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं मसल को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू करेगी मसल के अंदर ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड फॉर्म में है उसे तोड़ेगी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा ग्लूकोज बनाने के लिए ताकि कुछ तो एटीपी बने भले ही दो एटीपी मिले और लैक्टिक एसिड मसल में जमा होने लग जाएगा ड्यू टू अक्यूमलेन ऑफ लैक्टिक एसिड मसल थकने लगेगी फटीग जिसे बोलते हैं मसल फटीग होने लग जाएगा तभी तो आपने देखा होगा जब हम बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं हमारी मसल थक जाती है बिल्कुल नहीं चला जाता तो हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं फिर हम सांस लेते हैं फिर उस लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया जाता है अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब आइए आ जाते हैं रेड मसल और व्हाइट मसल रेड मसल में रेड मसल सेल ज्यादा है व्हाइट मसल में व्हाइट मसल सेल ज्यादा है आपको टेक्निक से याद कराऊंगी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ऐसे याद रखो रेड रेड क्यों है क्योंकि इसके पास मायोग्लोबिन होगा जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर देता है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग है बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह तो रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा है यानी ऑक्सीजन स्टोर हो रही है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो इस पे माइटोग्ट्रिया भी ज्यादा होंगे ठीक है एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा करेगा यानी एनारोबिक कम करेगा यानी लैक्टिक एसिड कम जमा होगा यानी थकेगी नहीं और थकती कौन सी चीज नहीं है जो धीरे-धीरे लंबे समय तक काम करती है यानी ये मसल्स स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं जैसे हमारी बैक की मसल चार-चार पांच-पांच छह-छह घंटे हम खड़े हैं स्लो एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जैसे चील की मसल लगातार हवा में उड़ती रहती है पर फास्ट नहीं उड़ती स्लोली और लंबे समय तक उड़ती है उसमें रेड मसल ज्यादा है नाउ व्हाइट मसल उल्टा कर दो व्हाइट मतलब मायोग्लोबिन कम है मायोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सीजन स्टोर्ड कम है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे मतलब एनारोबिक ज़्यादा होगा मतलब लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमा होगा यानी मसल फटीग थकेगी ज़्यादा थकती कौन सी चीज़ है जो जल्दी जल्दी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और जल्दी जल्दी कोई काम करोगे तो कम देर के लिए करोगे शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे हमारी पलक झपकना थोड़ी सी देर झपकोगे एकदम से थकान हो जाएगी आपको आईलिड की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जैसे छोटी चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ती है फिर थक के टहनी पे बैठ जाती है है। ये सब वाइट मसल है नाउ ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किसमें हो रहे हैं पर मिनट जल्दी-जल्दी वाइट में यानी ज्यादा कैल्शियम आयन कहां निकलेंगे वाइट में यानी सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा कहां मिलेगी वाइट में हो गया डन चलिए सो दिस इज ऑल अबाउट मसल अब आइए हम आ जाते हैं फटाफट से मसल की डिजीजेस पर डिसऑर्डर्स हालांकि एनसीआरटी में लास्ट में दिए हैं नंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माएस्थीनिया ग्रेविज नामी ग्रेविज ये ग्रेव कब्र से शब्द है बड़ी खतरनाक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मायो एनेस्थीजिया से बना है माएस्थीनिया मसल का फटीक हो रहा है मसल थक रही है मसल का पैरालिस हो रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है पेशेंट की बॉडी बौडि, एंटीबॉडीज बना रही है न्यूरो जंक्शन के खिलाफ वो जो आखिरी न्यूरॉन और मसल सेल का जंक्शन है नाउ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम से ही समझ में आ रहा है डिस मतलब एबनॉर्मल और ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन मसल को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा ये जेनेटिक डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स इसमें मसल का धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हो जाता है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में तो 12 साल की उम्र तक वो लड़का व्हील चेयर आ जाता है और बीस इक्कीस साल में जब रेस्पिरेटरी कार्डिक मसल्स भी इन्वॉल्व होती है डीजेनरेट होती है तो डेथ हो जाती है डेथ इज सर्टेन तो माइस्तीनिया ग्रेविस ऑटो है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है Now, इसके अलावा अगर ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो होती है जो लो पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण भी होगी क्योंकि ब्लड में बढ़ाता है, तो लो अकड़ी की अकड़ी रह जाएंगी इसे टेटनी कहते हैं हमें आनी चाहिए एनसीआरटी में दी है अब आइए हम आ जाते हैं इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पर सेकेंड हिस्से पर जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल मतलब बोन्स की बात करने वाले हैं बोन्स एंड कार्टिलेज बोन का बहुत हार्ड मैट्रिक्स है कार्टिलेज का कंपेरेटिवली सॉलिड है बट प्लाइबल है बेंडेबल है क्योंकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रॉयटिन सल्फेट्स होंगे कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्स और प्रोटीन्स होंगे जबकि बोन में बहुत ज्यादा कैल्शियम सॉल्स डिपॉजिट होते हैं अब हमारे में है दो सौ ये तो हमें मुन्ना भाई याद करवा चुके हैं कि सर्किट 206 सौ होती है तोड़ने के पहले अपन सोचता भी नहीं है। इन 206 हड्डियों को कैसे डिवाइड करते हैं ध्यान से सुनिएगा एक्सियल सिस्टम मतलब जो पे है हमारी सेंटर ऑफ द बॉडी पे और दोनों हाथ दोनों पांव हमारे दोनों कंधे और दोनों हिप्स जो एक्सियल को कनेक्ट कर रहे हैं बाहर की तरफ लिम्स से इस पूरे को अपेंडिकुलर सिस्टम बोलते हैं आइए अपेंडिकुलर सिस्टम पहले आपको समझा देती हूँ अपेंडिक या चलो एक्सियल से शुरू करते हैं एक्सियल सिस्टम में सबसे पहले स्कल आता है पूरी खोपड़ी इसमें 29 बोन्स है फिर एक स्टर्नम आएगी चेस्ट बोन फिर 12 जोड़ियां यानी 24 आएंगी रिब्स और फिर 26 26 आएंगी वर्टीब्रे आइए स्कल की बात करते हैं स्कल के अंदर 29 नाइन बोन्स हैं, जिनमें से क्रेनियम जो खोपड़ी बना रहा है इसमें एट बोन्स आएंगी मेरे साथ याद करिएगा वन फ्रंटल जो फोरहेड वाली है दो पेराइटल दो टेम्पोरल जिसमें कान आता है पीछे वन ऑक्सीपिटल और खोपड़ी काटनी पड़ेगी तो वन स्फिनॉइड एंड वन इथ पॉइंट इसी स्पिनॉइड में गड्ढा सेला टर्सिका में पिट्यूट्री होती है मास्टर ग्लैंड अगर आपको याद हो चलिए तो ये एट हो गई की बोन्स। नाउ, हम आते हैं फेस की बोन्स पे। फेस में ध्यान रखो स्टूडेंट्स, मैंडेबल लोअर जॉ की सिंगल बोन है और वोमर यहां जो नाक के सेंटर में है सिंगल बोन है बाकी सब जोड़े में होंगी सो so, वन मैंडेबल फिर दो मैक्सिला दो पैलेटाइन दो चीक्स वाली जाइगोमैटिक दो ये नाक वाली साइड वाली नेजल दो नाक के अंदर है इंफीरियर टर्मिनेट दो या आंख में लेटरल साइड पे जिसमें आंसू की ग्रंथी लिखराइमल है मैंने क्या कहा फिर से रिपीट करते हैं वन मैंडिबल और वन वोमर है ठीक है देन टू मैक्सिला टू पैलेटाइन टू जाइगोमैटिक टू नेजल टू इंफीरियर टर्बिनेट एंड टू बोन्स हैं वन हायोइड बोन है जिसपे टंग मसल्स अटैच हैं बेस ऑफ कैविटी पे यू शेप्ड की बोन है इसके अलावा तीन इस कान में और तीन इस कान में टोटल सिक्स मिडिल ईयर की बोन्स हैं आउटर टू इनर मैलियस इनका स्टेपीस यानी कि मिस आप सबको ही याद होगा और स्टेपीज पूरी 206 में से सबसे छोटी हड्डी है तो ये बात हुई हमारी 29 नाइन बोन्स की अब हम आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अपने चेस्ट बोन पे चेस्ट बोन स्टर्नम है ये फ्लैट बोन है ध्यान रखना और इस पे रिब्स और क्लैविकल अटैच होगी स्टर्नम फ्लैट बोन है इसमें एरिथ्रोपोइसिस भी होता है रेड बोन मैरो भी मिलती है जहाँ पे आरबीसी ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं अब हम आ जाते हैं ट्वेंटी फोर रिब्स पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से जो फर्स्ट सेवन पेयर ऑफ रिब्स है यानी शुरू के साथ जोड़ी वो डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट होंगे ऑफ कोर्स कार्टिलेज तो होगा बीच में हाई कार्टिलेज कार्टेलेज पर डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू दिस कार्टिलेज इन्हें बोलते हैं पीछे थोड़ा वर्टिब्री से जुड़ रहे हैं आगे स्टर्नम से यानी वर्टिब्रोस स्टर्नल रिब्स या ट्रू रिब्स फर्स्ट सेवन जोड़ी यानी चौदह नाउ नेक्स्ट जो होंगे एट्थ नाइन्थ और टेंथ वाली वो पीछे तो वर्टिब्री से जुड़े हैं पर आगे सेवेंथ रिब से जुड़ते हैं और इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े हैं यानी इन्हें वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स बोलते हैं ये छह हैं टोटल तीन जोड़ी एट्थ नाइन टेन और आखिरी की दो इलेवन पीछे तो जुड़े हैं वर्टिब्री से टी इलेवन टी ट्वेल्व से पर आगे किसी से भी नहीं जुड़े हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्हें सिर्फ सिर्फ वर्टिब्रल रिब बोलेंगे सिर्फ वर्टिब्री से डॉर्सली पोस्टीरियरली जुड़े हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम आ जाते हैं इसके बाद में वर्टिब्री पे वर्टिब्री में हमारी 26 काउंट होती हैं हड्डियाँ सेवन सर्वाइकल 12 थोरासिक यानी सी सेवन टी ट्वेल्व कमर वाले एरिया में पांच लंबर जो सबसे बड़ी सबसे हैवी वर्टिब्री है सारा वेट यहीं पर बेयर होना है और इसके बाद सैक्रम में होती पांच है पर फ्यूज हैं तो वन मानेंगे कॉकिक्स बोन में होती चार है पर फ्यूज है तो फो वन मानेंगे यानी सी सेवन टी ट्वेल्व एल फाइव एस फाइव ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉकिक्स में फोर ब्रैकेट में लिखेंगे यानी करेंगे इसमें से ध्यान रखिएगा कि C1 और C2 पे क्वेश्चन आता है C1 को Atlas बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन के कॉन्डाइल्स हैं दो कॉन्डाइल हैं इसीलिए हमारे में पीछे हाथ लगा के देखो दो बाहर आएंगे आपको सर पे हमारा स्कल डाई कॉन्डाइलिक है इसके साथ सी जुड़ी है यानी सी जो है वो पूरे स्कल को भार को सहन कर रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में उनकी कथाओं में एटलस देवता हैं जो अपने कंधों पर पृथ्वी को लिए हुए हैं सो so, इसे एटलस कहते हैं ये ऑक्सीपिटल वन के साथ आर्टिकुलेट यानी कर रही है C2, C1 के साथ जुड़ेगी तो C1 में गड्ढा है और C2 में खूटी जैसा पेग लाइक स्ट्रक्चर है इसे ओडोनटॉइड प्रोसेस बोलते हैं वो ओडोनटॉइड फोसा के साथ ज्वाइन करेगा इससे हमारा नो एक्शन होता है और जो ऑक्सीपिटल बोन और C1 ने है उससे हमारा ये नोडिंग एक्शन होता है और C1 और C2 से हमारा ये नो no वाला एक्शन होता है चलिए अब हम आ जाते हैं फटाफट से आ, द, आ, अपनी ये पूरी हो गई अपनी ट्वेंटी नाइन स्कॉल बोन्स हो गई हैं ठीक है 26 वर्टीबरी हो गई हैं 24 आ, रिब्स हो गई और वन स्टर्नम हो गई है यानी ये पूरी हो गई अपनी 80 बोन्स 80 एक बोन्स एक्सियल स्केलेटन में है अब हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम में अपेंडिकुलर सिस्टम में।, में पहले हाथ की गिनवाती हूँ एक हाथ में तीस हड्डी दोनों में साठ और सेम ऐसे एक पैर में 30 बोन्स दोनों में 60 यानी 120 की कहानी हाथ में देखो आर्म बोन वन ह्यूमरस वन रेडियस हमेशा अंगूठे की तरफ लेटरली होगी तभी तो रेडियल so, फिर हथेली पे पाम पे है फाइव मेटा कार्पल्स और उंगली में तीन 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 और दो यानी चौदह डिजिट बोन्स यानी फैलेंजेस है यानी टोटल वन ह्यूमरस वन रेडियस वन अलना थ्री एट कार्पल्स इलेवन फाइव मेटाकार एंड फोर्टीन फैलेंजेस थर्टी बोन्स सेम ऐसी इस हाथ में भी हो जाएगी ना अब हम आ जाते हैं पैर की हड्डियों में पैर में थाई बोन वन फीमर हो गई फिर वन टीबिया वन फिबिला हो गई अब पैरों में एंकल को हम इसके बराबर माने यहाँ कार्पल बोला है तो एंकल एडी पे टार्सल बोलते हैं यहाँ हथेली पे मेटा कार्पल बोला है तो पैर में तलवे पे सोल पे मेटा टार्सल बोलते हैं वहां पे सेवन टार्सल फाइव ही है मेटा टार्सल और चौदह फैलेंजेस भी हैं यानी ट्वेंटी नाइन बोन हो रही है यहाँ पर आठ कार्पल थी वहां पे सात ही टार्सल हैं यानी वन कम हो गई वो वन होती है घुटने की हड्डी नी कैप कप शेप्ड की जिसे पटेला बोलते हैं नी कैप आप सब जानते हो बॉडी में फ्रंट में दिख रही है घुटने को अभी हाथ लगा के देख लो यानी वेंट्रली प्लेस्ड है ये ध्यान रखो ज्यादातर हड्डियां एम्ब्रियो में कार्टिलेज थी उसके हड्डीकरण ऑसिफिकेशन से बनी है टफ स्ट्रांग होने से बनी है हार्ड होने से बनी है पर नी बोन की जगह पर एक टेंडन था जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है उसके ऑसिफिकेशन से बनती है तो अगर कोई बोन बाय ऑसिफिकेशन ऑफ़ टेंडन बनता है तो उसे हम कहते हैं वो नी कैप और पटेलाइड बोन तो वन फीमर वन टीबिया वन वन पटेला यानी नी कैप यानी ये हो गई 120 हड्डियां चारों लिम्स में टू अपर लिम एंड टू लोअर लिम्स अब आ जाइए हम आ जाते हैं इन्हें कनेक्ट करने वाले गर्डल्स पे पहले पेक्टोरल गर्डल क्योंकि ऊपर वाले को पेक्टोरल रीजन बोलते हैं चेस्ट वालों को और नीचे पेल्विक गर्डल क्योंकि नीचे पेल्विक रीजन बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल में एक साइड पे दो हड्डी है एक ये दो करवेचर वाली एस शेप्ड की जिसे कॉलर बोन कहते हैं क्लाविकल और पीछे जो सलमान खान ऐसे करके पीछे से शर्ट निकाल के बताता है बटरफ्लाई ट्राइंगुलर शेप की स्कैपुला इनमें से स्कैपुला फ्लैट बोन है और क्लैविकल लॉन्ग बोन है क्लाविकल एक तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ध्यान से सुनो स्कैपुला में एक स्पाइन है जिसपे एक प्रोसेस है वहां क्लैविकल जुड़ती है आप सी ए से याद रख सकते हो क्लैविकल एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से जुड़ेगी और एक तरफ स्टर्नम से जुड़ रही है

थ्री बोन के फ्यूजन से बनी है इस्चियम इलियम एंड प्यूबिस और इनके फ्यूजन की जगह पे ऐसे है जहां से हेड ऑफ फीमर जुड़ रहा है जिससे हिप जॉइंट बन रहा है और ए, वेंट्रली फ्रंट में जहां ये दोनों मीट करेंगे दोनों हावस पेलिविक गर्डल के उसे हम कहेंगे प्यूबिक यानी अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स तो हमने क्या देखा कि थर्टी थर्टी दोनों हाथ में थर्टी थर्टी दोनों पैर में वन ट्वेंटी बोन हो गई

सबसे पहले इसके जॉइंट्स के बारे में जॉइंट का मतलब होता है जहां पे भी दो हड्डियां जुड़ रही हैं उसे जॉइंट कहेंगे जॉइंट पे बहुत क्वेश्चन आता है जॉइंट्स तीन तरह के होंगे एक जहां बिल्कुल मोबिलिटी नहीं चाहिए इमूवेबल ज्वाइंट यानी फाइब्रस ज्वाइंट कहां मिलेगा ये जैसे कि आप चाहते हो कि ये क्रेनियम की हड्डियां हिले डोले बिल्कुल भी नहीं यानी यहाँ पे जो सूचर्स हैं स्कल में सूचर्स बोलते हैं जॉइंट्स को क्रेनियम की सूचर्स दे आर फाइबरस जॉइंट इवन जो हमारे मैंडेबल मैक्सिला लोअर और अपर जॉ में दांत धसे हुए हैं वो भी होने चाहिए फाइबरस जॉइंट सो हमें याद रखना है सूचर्स इन क्रेनियम दे आर फाइबरस जॉइंट इन मोबाइल नॉट मूवेबल जॉइंट नाउ नंबर टू जब हल्की सी मोबिलिटी चाहते हैं बहुत ज्यादा नहीं हल्की सी उन्हें बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ये दो जगह मिलेंगे रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है पहला दो वर्टिब्री के बीच में इंटर डिस्क ना तो हम बहुत मूवमेंट चाहते हैं वर्टिब्री के बीच में पर हल्का सा मूवमेंट चाहते हैं ताकि हम मुड़ सके झुक सके सो so, इंटर डिस्क एंड नंबर टू प्यूबिक सिंफाइसिस तो प्यूबिक सिंफाइसिस और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट डिस्कार जहां पर वाइड फाइब्रस कार्टिलेज मिलती है नाउ थर्ड हो गए फ्रीली मोबाइल तो फाइब्रस इमोबाइल कार्टिलेजिनस पार्शियली मोबाइल एंड फ्रीली मोबाइल को बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का मतलब है दो बोन्स के बीच में साइनोवियल मेंब्रेन है जहां से फ्लूड निकलता है साइनोवियल फ्लूड उसके कारण मोबिलिटी बहुत बढ़िया मिलती है अब साइनोवियल जॉइंट भी कुछ टाइप के हैं आइए समझते हैं पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहां एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है गड्ढा सॉकेट है जैसा हमने देखा शोल्डर जॉइंट ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ फीमर दूसरा हिप जॉइंट एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल एंड हेड ऑफ फीमर ये रट लेना बॉल एंड सॉकेट शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट नाउ नंबर टू अच्छा ये मल्टी एक्जियल है किसी भी हम कंधा ऐसे भी घुमाते हैं ऐसे भी घुमाते हैं ऐसे भी घुमाते हैं ऐसे, है, ऐसे ही हिप के साथ होता है नाउ नंबर टू हिंज जॉइंट हिंज का मतलब होता है कब्जा जैसे गेट है एक ही तरफ खुलता है एल्बो जॉइंट नी देखो एक ही तरफ किवाड़ जैसा गेट जैसा नी जॉइंट और दो फैलिंग्स के बीच में इंटर फैलेंजियल ज्वाइंट तो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल हो गए नी जॉइंट एल्बो जॉइंट एंड इंटर फैलेंजियल ज्वाइंट ठीक है नाउ थर्ड ग्लाइडिंग जॉइंट हल्का सा खिसकेंगे बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स तो बॉल एंड सॉकेट में हिप एंड शोल्डर हो गया हिंज में एल्बो नी एंड इंटरफेलियल हो गया और ग्लाइडिंग में बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल हो गया नाउ नंबर फोर पिविट जॉइंट पिविट जॉइंट का क्या मतलब है पिविट का मतलब है एक खूंटी और उस पिविट पर कुछ मूव करना जैसा कि C1 और C2 के बीच में होगा जहां पर एक खूंटी ओडन प्रोसेस है और उसके लिए गड्ढा ओडन फोसा है जिससे हमारा ये नो no का मूवमेंट होता है सो so, C1 C2 के बीच में पिविट जॉइंट है इसके अलावा रेडियस और अल्ना के बीच में भी प्रॉक्सिमली पिविट ज्वाइंट होता है अब नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का है कॉन्डाइलर जॉइंट जहां पे कॉन्डाइल होगा कॉन्डाइल कैसे यहां पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है ऑक्सीपिटल बोन जिसके साथ सी वन जुड़ती है एटलस जुड़ती है तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट या ऑक्सीपिटो एटलांटिक ज्वाइंट दैट इज अ अडाइलर जॉइंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई डियर स्टूडेंट सैडल ज्वाइंट सैडल ज्वाइंट देखो इसे कहते हैं हमारी हथेली और अंगूठे के बीच का जो ज्वाइंट होता है आप देखिए अंगूठा अच्छा खासा मूवमेंट करता है बढ़िया थ्री डी मूवमेंट है पर हल्का सा अटकता है जहां अंदर की तरफ उंगली की तरफ मूव होता है इसे सैडल ज्वाइंट बोलते हैं ये कार्पल और अंगूठा थंब की मेटाकार्पल या फर्स्ट मेटाकार्पल कहते हैं उसके बीच होता है सो दिस इज़ अबाउट जॉइंट। अब आइए हम लास्ट टॉपिक इसके डिसऑर्डर्स की बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स में हमें जो मेन पढ़ना है वो ऑस्टियो पोरोसिस ऑस्टियो मतलब बोन पोर मतलब छेद होना. छेद होना। बोन में हो यानी बोन का कैल्शियम निकल रहा है बोन का मिनरल लॉस हो रहा है डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन उसके कारण बोन सॉफ्ट हो जाएगी पोरस हो जाएगी पोली हो जाएगी फ्रैक्चर्स जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे इसके दो रीज़न टिप्स पर होने चाहिए नंबर वन अगर पैराथायरॉयड हॉर्मोन एक्सेस में है हाइपर तो वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है तो बोन से खींच के लाता है सो इंक्रीज पैराथाइर हार्मोन पैराथाइर कम होगा ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो टेटनी होगी और पैराथाइर ज्यादा होगा बोन से खींच के लाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा और दूसरा मीनोपोजल वेमेन जब होती है फीमेल में मीनोपोज जब आता है ईस्ट्रोजन की कमी होती है डेफिशियंसी ऑफ ईस्ट्रोजन उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है यानी हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एज रिलेटेड भी है

ऑटो इम्यून रोमेटॉइड आर्थराइटिस नाउ नंबर टू मसल में माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून पड़ी थी नाउ नंबर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस एज के कारण बोन्स के एंड पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो इरोड होगी घिसेगी डिजनरेट होगी उसके कारण जो बोलते हैं ना घुटने की कटोरी में पानी कम हो रहा है घुटने में से टक की आवाज आ रही है कमर दुख रही है लार्ज जॉइंट्स अफेक्ट होंगे एज रिलेटेड है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाउटी आर्थराइटिस जिसे गाउट भी कहते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने के कारण से जॉइंट्स का इंफ्लमेशन सो so, ऑस्टिओ आर्थराइटिस आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस और गाउट्स सो आई होप स्टूडेंट इसके साथ ही लोको मोशन एंड मूवमेंट हमारी मुट्ठी में आ गया है एकदम टिप्स पर हो गया है मिलते हैं अगले पॉडकास्ट सेशन में टिल देन अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल